बैक टू बैक बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने महंगाई की मार से करा रही जनता को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत देने का काम किया है। केंद्र सरकार ने डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। कटौती की दरें आज से लागू हो गई है। वहीं केंद्र की ओर से दिवाली पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के तोहफे के बाद राज्य सरकारें भी वैट में कटौती करने लगी हैं। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश और गोवा के साथ ही बिहार, गुजरात, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और कर्नाटक की सरकार ने राहत का ऐलान किया है। चुनावी राज्य यूपी और गोवा ने सबसे ज्यादा कटौती की है, वहीं बिहार ने सबसे कम। यूपी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट 12 रुपए प्रति लीटर कम करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड, सिक्किम के साथ ही कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी के लिए वैट की दरों में कटौती करने का ऐलान कर दिया है। वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने ट्वीट कर तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल पर वैट में 7 रुपए की कमी करने का ऐलान किया। वहीं बिहार सरकार ने सबसे कम कटौती की है। बिहार सरकार ने पेट्रोल पर वैट में 1 रुपए 30 पैसे और डीजल की कीमत पर वैट में 1 रुपए 90 पैसे की कटौती की है। तो दीपावली के इस पावन पर्व पर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का काम किया है। तो वहीं इसके साथ साथ कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने वैट भी कम कर दिया है, जिसमें से बिहार भी शामिल है, गुजरात भी शामिल है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक और सबसे बड़ी बात चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश और गोवा भी इसमें शामिल है। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही है और बड़ी खबर यहां पर यह है कि दीपावली के इस पावन पर्व पर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का काम किया है। और अक्टूबर महीने में यह देखा गया था कि लगातार हर दिन कभी 30 पैसे कभी 35 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिलता था और आम जनता पर लगातार महंगाई के जरिए बोझ डालने का काम किया जा रहा था। आम जनता महंगाई की चौतरफा मार झेल रही थी और लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि सरकार के पास कोई एक्शन प्लान है क्या महंगाई को कम करने के लिए, और अगर एक्शन प्लान है तो उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। तो वहीं इसी बीच दीपावली के पावन अवसर पर, दीपावली के इस खास उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देने का काम किया है। तो केंद्र सरकार ने महंगाई की मार से कराह रही जनता को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर राहत देने का काम किया है। केंद्र सरकार ने डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। तो कटौती की ये दरें आज से लागू हो गई है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कई राज्य सरकारें हैं जिन्होंने वैट कम कर दिया है, जिसमें से बिहार सरकार ने सबसे कम वैट कम किया है। वहीं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश और गोवा ने सबसे ज्यादा वैट कम किया है।